राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस एकजुट, पाकुड़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तस्वीर के समक्ष किया संकल्प सत्याग्रह। रिपोर्ट बजरंग पंडित। पाकुड़ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने का कांग्रेस कड़ा विरोध कर रही है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता इसके विरोध में आज यानी रविवार को देश भर में सत्याग्रह कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को सुबह 10 बजे से ही पाकुड़ स्थित पुराना अस्पताल के समक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के फोटो के समक्ष संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन को लेकर कहा है कि पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर देश के सभी राज्यों और उनके जिलों में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री कुमार सरकार ने बताया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक नफरत, महंगाई एवं बेरोजगारी के खिलाफ जनता के अपार समर्थन के साथ राहुल गांधी द्वारा तय की गई लगभग 4000 किलोमीटर की लंबी भारत जोड़ो पैदल यात्रा तथा संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आने के लिए पर सवाल खड़ा करने के बाद मोदी सरकार पूरी तरह बौखला गई है। सदन में राहुल गांधी की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। सत्ताधारी भाजपा सरकार द्वारा सदन में हो हंगामा कर सदन की कार्यवाही को बाधित किया गया, जिसके बाद पिछले 24 मार्च को राहुल गांधी का सांसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। मोदी सरकार द्वारा साजिश संसद सदस्यता समाप्त करवाने के बाद राहुल गांधी ने देश की जनता को स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं देश की जनता की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। वर्तमान राजनीतिक हालात में पार्टी नेतृत्व द्वारा भी संघर्ष को ही एकमात्र रास्ता बताया गया है। सत्याग्रह कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष श्री कुमार सरकार ने किया तथा मौके पर प्रदेश महासचिव सेमिनुल इस्लाम, गुलाम अहमद, मंसारुल हक, मुख्तार हुसैन, अनूप सिन्हा, शाहीन परवेज, निरंजन मिश्रा, अर्धेंदु गांगुली, नलिन मिश्रा, मोकलीमुद्दीन, मनोवर आलम, इस्लाम अंसारी, अर्नेस्ट हांसदा, दाऊद मरांडी, महबूब आलम, बेलाल शेख, मोहम्मद सिराजुद्दीन, नवीन सिंह, साकिर हुसैन, मोहम्मद एहदीन, गुलाम रसूल, मुस्फर शेख, अबू ताहिर, मिथुन मरांडी, बबलू भगत, आसिफ इकबाल, प्रदीप रजक, मेनारुल हक, आबिद अंसारी, गैब्रियल हेम्ब्रम, साइलेन मुर्मू, जियाउल शेख, नकफोड़ा शेख, मो जहीरुल, नजरुल शेख, मंसूर शेख, मोतीउर रहमान, आइनुल हक, जियाउल रहमान आदि मौजूद रहे। मैटर वही है आपका कि ये राहुल जी का जो सदस्य रद्द कर दिया गया है, जिसके लिए इनको 30 दिन का समय मिलना चाहिए था, तो समय नहीं देखे। जैसे ही सूरत हाईकोर्ट में 2 साल का सजा दिया सुनाया गया है, दिया आपका कि जो इनका सदस्यता लोकसभा से रद्द कर दिया है, उसी के मैंने कि जो पक्ष में हम लोग आज धरना दे रहे हैं कि राहुल जी के साथ नहीं हो, ये अन्याय हुआ है, इसी का विरोध में एक दिवसीय धरना 10 बजे से 5 बजे तक हम लोग का है सत्याग्रह धरना। मैटर यही है कि राहुल जी के ऊपर जो मानहानि का केस हुआ था, उसमें सजा होते ही उनका सदस्यता खारिज कर दिए, और उनका कुछ सवाल था जिस सवाल के चलते वो बौखला जाते हैं, उनको पार्लियामेंट में उपस्थित होना नहीं पसंद करते हैं, इसीलिए उनको पार्लियामेंट से डिस्चार्ज कर दिए तत्काल, जबकि इसको कुछ समय मिलना चाहिए था। जब तक वो अपील करते थे, अपील में क्या होता है, तब तक नहीं किए। 20 हज़ार करोड़ रुपया सवाल था कि 20 हज़ार करोड़ रुपया अदानी के सेल कंपनी में जो इन्वेस्ट हुआ है, ये 20 हज़ार करोड़ रुपया का मालिक कौन है, मेन मुद्दा यही था। आप लोग का आंदोलन कब तक चलेगा? आज तो एक दिवसीय है सत्याग्रह आंदोलन है, आगे भी जब तक इनका न्याय नहीं मिलेगा तब तक दुबारा होगा, चालू रहेगा बराबर। कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता और भाजपा की घटती जनाधार के बीच में जब बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तहत हमारे नेता का सदस्यता को समाप्त किया, उसी के निमित्त केंद्र के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालयों में हम लोगों का एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन है। यह सत्याग्रह वह सत्याग्रह है जिसने हमने गोरों को हराया था, आज हम पुनः चोरों को हराने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। अपनी लोकप्रियता हमारी बढ़ी है, हमने जो है पैदल यात्रा किया, हमारे नेताओं ने उस पैदल यात्रा के तहत लोगों के सामने हमने अपना छवि को मजबूत किया है। उपेक्षा उपासना बीजेपी की नीति रही है। हम लोग उस समय के थे जब प्रथम हमारी सरकार बनी थी, तो उस समय विपक्ष में कोई नहीं था, उस समय नेहरू जी ने कश्मीर मामले के मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया था, जबकि वो सदन के सदस्य भी नहीं थे, और नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में
जब जनावा में वार्ता के लिए बुलाया गया तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी को निमंत्रण देकर के उनको भेजा था। हम उस दल के लोग हैं जहां पर कि हमने विपक्ष को सम्मान दिया, लेकिन ये बीजेपी के लोग निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाज के नीति के विरोध में होकर के विपक्ष को शून्य करके सत्ता के संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं। या अघोषित लोकतंत्र या अघोषित जो है आपातकाल है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। उस पर ध्यान भटकाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए और हमारे 20,000 करोड़ रुपया को छुपाने के लिए इस तरह का संघर्ष कर रहा है ताकि लोकसभा में इस बात को कोई नहीं उठाए और हमारे नेता की सदस्यता समाप्त किया है। उसी के निमित्त हम जो है आज जो है केंद्र के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन पर सत्याग्रह पर बैठे हैं या आगे की नीति के तय किया जाए।